गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। यहाँ पर जो है अब मैं दिन के खाने के लिए आ गई थी बनाने के लिए, और ये ना मैं कुछ कटिंग्स लाई थी घर से जस्सो वाला से, तो वो पानी में डाल के रखी हुई थी, वही देख रही थी मुरझाने लग गई। आज जो है मैं लंच में बनाने जा रही थी काले चने, तो बस उसकी तैयारी में ही लग गई। आज थोड़ा लेट हो गया सारे काम में, क्योंकि एज़ यूजल जो है हमारी मेड आई नहीं थी, तो बस उस चक्कर में सारा घर समेटते समेटते 1:45 हो गए थे इस टाइम मेरे को। तो वैसे तो राइस तो मैंने बना दिए थे, दिन में तो हम लोग यही लेते हैं, रोटी तो कोई लेना नहीं चाहता। तो बस चावल, काले चने और रायता, और साथ में जो है आपका सैलेड वैलेड, ये सब बना लेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोपहर में शुरू 2 बजे, और अभी शुरू कर रही हूँ। इधर पर मैगी आ गई, जुटी शेरू लग गया चूल्हे डालने, पहले इससे मिल ले जब कोई आए बाहर से, तो इसको यही होता है कि बस मेरे से मिलो आप। और अभी अविशी है तो और हल्ले होते हैं। आज खाना बहुत लेट हो गया हमारा बनने में, बस ऐसे छोटे छोटे कामों में लगे हुए। पर यह है कि मौसम हो रहा है बढ़िया, बारिश का डेली बारिश, गैस कम कर रहा है। एक तो क्या होता है ना, शूट करने के चक्कर में देर हो जाती है काम करने में। देखो मैं दिखाती हूँ बाहर, ये देखो आज कल थोड़ा सा खुला था, आज फिर अब बादल आ गए। ओ भयंकर बारिश आने का मौसम हो गया। बढ़िया है, बीच में एक आध दिन खुलना भी जरूरी है मौसम, वरना तो बहुत फिर सूखते नहीं कपड़े, चिपचिप चिपचिप हो जाती है। 2 बज गए आज, बहुत लेट हो गया। ये चावल तो मैंने बना लिए हैं, आज चने बना रही हूँ। थोड़ा सा शूट के चक्कर में होता है ना, और टाइम डबल टाइम हो जाता है। चने तो मैंने वैसे पहले बॉईल करके रख लिए थे, और मसाला सब आपके सामने अभी तैयार भी कर लिया। वह सब छोंक रही हूँ, और छोंकने के बाद ना मैं ये करती हूँ, जो भी मोटी दालें या इस तरह से होता है तो एक बार सीटी लगा देती हूँ, अच्छा बनता है। तो बस वही कर रही थी, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहीं आज बहुत लेट हो गया था। और साथ में आप भी मौसम के मजे लेते रहिए। देखिए जब तक मैंने छोंक के किया तब तक बारिश जो है खूब बारिश शुरू हो गई। अभी तो थोड़ी कम भी है, पर बाद में तो बहुत तेज़ हो गई थी। आज के लिए है कि ऐसे मौसम में ना काम करने का भी बहुत मज़ा आता है, मन भी करता है कि आप कुछ बनाओ कुछ करो, वरना पहले तो इतनी सड़ी गर्मी हो रही थी कि कुछ भी नहीं हो पाता था। इस मौसम में ये है, एटलीस्ट आपने फैन चला रखा है तो आप काम कर सकते हो। तो चलिए आप भी मज़ा लीजिए मौसम का। लाइट चलाने वाला टाइम आ गया, वरना तो अंधेरा हो रहा है। एक जला देती हूँ, सारी नहीं जला है, अंधेरा अंधेरा हो गया, अंधेरा अंधेरा। और अभी जब तक थोड़ी सीटी निकल रही थी, मैंने अपना डाइनिंग टेबल जो है वो भी सेट कर लिया था। तो लेट तो हो ही गया था, बट फिर भी चलिए बैठ के अपना एंजॉय करेंगे, खाएंगे ऐसे मौसम में। तो मैं कहा आज मैं प्रॉपर जो है डाइनिंग सेट करती हूँ। चलिए फिर आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। मौसम बढ़िया है, शायद सोचा ढंग से अपने लिए खाना लगाए, कभी कभी होना चाहिए ना। अपनी कुर्सी में आ जाओ, तुम्हारी भी यही है। बस ये नहीं बात
डालती हूँ ना, मुझे क्या रस्सी है? मैं डालती हूँ ना, मुझे पता है। दिन में तो खाना चाहिए, दिन में नहीं खा बोलता, दिन में रात में खाना चाहिए। रात में वो तो तुम्हारा उल्टा है ना। अविशी खाना खा के चली गई थी नीचे और ये ऊपर आ गए थे लंच के लिए। तो बस फिर अब बैठ कर के हम दोनों ने लंच इंजॉय किया, बातें करी, क्योंकि ऐसा टाइम कमी मिलता है एक साथ बैठ के खाने के लिए, या तो छुट्टी हो तो कहीं मिल जाएगा, वरना तो भाग दौड़ वाला खाना रहता है इनका। तो वही हम लोग बात भी कर रहे थे कि दिन में अच्छे से खाओ, सुबह खाओ, लेकिन रात में कम खाओ, और हमारा इनके साथ उल्टा हो जाता है, ये बेचारे रात में ठीक से लेते हैं। थोड़े दिन में बाद में भूलेगी, अभी तो नेक्स्ट मंथ की नहीं होगा। मैं हाँ मिड में आ जाए ना, जुलाई मिड। हाँ बस 5 मिनट दे, 5 मिनट का। बस में क्या है, वापस ले लिया, दूसरा ले जाओ। यहाँ हमारा लंच हो गया था, तो उसके बाद जो है बस जो मेरा रूटीन रहता है कि हाँ पहले पूरा क्लीन करो, क्योंकि अगर आप सोच एक बार छोड़ दो ना कि बाद में करेंगे, तो वो चीज़ बाद के लिए रह जाती है। और पता नहीं हमें शुरू से ही घर में देखा है, मेरी मम्मी भी ऐसे करती थी, और उसी वक्त सारा डाइनिंग एरिया क्लीन करो, बर्तन यहाँ पे मैंने जो है क्लीन करके रख दिए थे, क्योंकि उसने आना नहीं था, तो फिर सब कुछ टाइम से हो जाती हैं चीज़ें। तो बस बर्तन खाली करके अपना काम निपटा रही थी, क्योंकि मैं ना दिन में थोड़ा मूवी वगैरह देख लेती हूँ, तो बस फटाफट अपना जो करना है तो काम करना है, तो वो सब निपटाया। और साथ में आदत है मेरे, तो जब भी मैं चाहे रात में भी बर्तन करूं या दिन में, तो मैं सब क्लीन करने के बाद फिर पूरे में अपना डाइनिंग एरिया से इधर पोछा वोछा लगा के तब बैठती हूँ। तो चलिए, और ज़्यादातर मुझे लगता है कि हर लेडीज़ करती ही। अब फ्री हुई, अब बैठूंगी, और अब है मेरा मूवी देखने का टाइम, अब मैं बैठ करके मूवी देखूंगी। ना इनका बच्चों का गेम दिखाती हूँ, ये आजकल देख रही हूँ मैं इनको, पता नहीं क्या ये लकड़ियाँ लेकर के फिर खेल रहे हैं, और ये दिखा रही बाहर। ये हॉकी बना दिया, कौन सा गेम है ये, हॉकी का दूसरा वर्जन हो गया है। यहाँ धूप हो रही है और उधर से कलर बदल आ रहे हैं। यहाँ जूली इनका गेम देख रही है। जूली चलो खाना खाओ, अब इसमें भी नखरे हो रहे हैं, ये भी मम्मी की खिलाएगी, बैठ जाओ। अपने आप भी खाते हैं, लो सुबह का भी तूने जूठा ही छोड़ा था, झूलो फिर खाओ, अपने आप खाओ, देखो लो खाना भी है और ड्रामे। इधर मुंह करो, आज खा ले मेरा बच्चू, खा ले सोना, खाओ भाई
हाँ बहुत ड्रामा हो रहा है। लो जुलू जुलू तुमको दूध रोटी में भी पेडिग्री में भी ड्रामे होने लग गए हैं, देखते हो। हाँ शाबाश, पेडिग्री छाट छाट के खाएगी अभी। पहले हमारी चाय, इनकी चाय दे दे, बाकी अपना खान पान का नीचे ही रखे रखते हैं। बिस्किट रस जो भी इनको लेना है अपने हिसाब से ले लेंगे। गिरना चाहे बुलाने का तरीका ऐसे तो सुनते नहीं है, आवाज करो तो सुनते हैं। लो जी आज बीवी के हाथ की चाय है, शाम की भी बेटी को भेजते रहा करो है। हाँ याशी होती है ना तो वो बना देती है शाम की चाय। अभी गई वो दादी के पास, कम से कम टाइम से तो हो जाती है, उसको तो चिल्लाते रहो 7-7 बजे जाके हमें चाय मिलती है। चले भाई फिर मजे करें। और मेरी मूवी चली हुई है, यानी साउथ साइड की है, कुछ क्या नाम है, डी ब्लॉक करके है, और कुछ रियल इंसिडेंट के ऊपर है ये मूवी जो मैं देख रही हूँ ना, कुछ कॉलेज के ऊपर है, वहाँ किसी कॉलेज के ऊपर है। वो कॉलेज जो है जैसे जंगलों में नहीं आजकल खूब वैसे इलाकों में बड़ा सा कॉलेज है, तो उसके ऊपर है। अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी कंप्लीट करूँगी, देखती हूँ ख़त्म करूँ और चाय भी दो साथ में। ये देखो निपट गया, जब खाना होता है तो ऐसे साफ हो जाती है थाली, देखो चकाचक। चुलू तुम भी बाहर देख रही हो, कैसे खेली कर रही है, हाँ तुम भी जाओ खेलो, बॉल पकड़ो इनकी, यहाँ से देखती रहेगी कुछ हिला हिला के। तो ये था हमारा मी टाइम, फैमिली टाइम। इस वक्त हम लोग शाम को जो है बाहर घूमने चल पड़े थे, क्योंकि मौसम ही ऐसा था, तो अपना सैटरडे था और सोचा चलो अब ऑफिस क्लोज हो गया है तो घूम के आए। तो कुछ नहीं, अपने आसपास जब हम इतनी सुंदर जगह में रहते हैं तो कम से कम इतना तो जा ही सकते हैं। तो कोशिश रहती है मेरी कि थोड़ा सा हम लोग बाहर को निकले, माइंड भी फ्रेश हो जाता है और आदमी जो है सब रिलैक्स हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत दूर के ही टूर बनाने हो, आप नज़दीक में भी रह कर के जो है अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा तू वन है? हाँ तो लाइटें ही दिखती हैं रात में पहाड़ों से। बंद हो? ओ अच्छा, ये तो पूरी खाली हो रही है, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इसे बंद। मस्त व्यू हो रहा, लाइट तो जलेगी। गाड़ी में ही हम लोग सैंडविच बना के लाए हैं घर से मतलब, और ये हमारी चाय पार्टी और साथ में ऐसा मौसम। इस वाले रास्ते में रोया हुआ है सर, आया मजा। पीछे देखो नदी बगल में।
और ये रही हमारी जूली, तुम भी खा लो। गुम्मी गुम्मी हो रही है साइड में। नहीं वो ले साइड में कर ले। गुम्मी नहीं करी तुमने, घूमने आया था मेरा बुगलू। तो ये जो हमारी शाम की क्लिपिंग है, हम बाहर घूमने गए थे, ये 4-5 दिन के बाद की है। सैटरडे को फिर शाम को गए, तो बीच में ये 2 दिन का ब्लॉग इस तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए भाई और शेयर करिए। बड़ा हो रहा हूँ। 1800